हाय एवरीवन, आज डिस्कशन करेंगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन और स्टेडी स्टेट काइनेटिक ट्रीटमेंट। वी कंसीडर ए रिएक्शन व्हिच मे बी प्रोसीड फॉलोइंग मैकेनिज्म। क्या है? ए प्लस बी इंटरमीडिएट ए सी देन गिव्स डी। ठीक है, क्या नो चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ सी विथ टाइम। सो कहने का मतलब सी का कंसेंट्रेशन कोई चेंज नहीं हो रहा है विथ टाइम। सो सी इज इन स्टेडी स्टेट एंड हैव मिनिमम लाइफ टाइम। तो मेन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट क्या है? जो हमारा जिसका लाइफ टाइम मिनिमम है उसको हम कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रहा है ना, मतलब वो स्टेडी स्टेट में है। तो डीसी बाई डीटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। वेयर सी इज इंटरमीडिएट इन एबव रिएक्शन और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, व्हिच में भी एटॉम्स और आयन। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में क्या है, जनरल आप इंटरमीडिएट को लेना क्योंकि वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। तो डीसी बाई डीटी जीरो होता है और उसका लाइफ टाइम कम होता है, तो वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं वो स्टेडी स्टेट में है। ठीक है, चलो उसको निकालते कैसे वो एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं। कंसीडर ए फॉलोइंग रिएक्शन व्हिच में प्रोसीड द फॉलोइंग मैकेनिज्म। देखो ए प्लस बी गिव सी, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ए प्लस बी फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्शन कॉन्स्टेंट के वन, बैकवर्ड रिएक्शन कॉन्स्टेंट के माइनस वन। ये सी इंटरमीडिएट है, देन सी गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखते हैं अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन टू सी क्या करना है। देखो फॉर्मेशन ऑफ सी इक्वल्स टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सी। ठीक है, देखो अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इक्वल्स टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सी। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, सी का फॉर्मेशन देखते हैं पहले। सी का फॉर्मेशन क्या हो, के पहले फॉरवर्ड रिएक्शन में भी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सी देन डिफॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सी। तो फॉर्मेशन ऑफ सी में ए बी का फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, के माइनस वन सी प्लस यहां भी डिफॉर्मेशन हुआ है के टू सी। आ गया समझ में? तो इसको अगर यहां पे सी कॉमन ले लेंगे के माइनस वन प्लस के टू सी। ठीक है, समझ में आ गया? यही था सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के वन ए बी बाई के माइनस वन प्लस के। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन करेंगे तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू क्या था, के टू सी था ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या, के टू सी था, तो हमें सी का वैल्यू मिल गया, बस पुट कर दो। ये है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन और भी आगे ये काम में आएगा एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स थ्योरी वगैरह। ठीक है, अब देखते हैं रिवर्सेबल और अपोजिंग रिएक्शन। ए रिएक्शन ऑफ दिस टाइप मे बी रिप्रेजेंटेड रिवर्सेबल और अपोजिंग रिएक्शन। देखो ए गिव्स बी, ठीक है, के एफ है फॉरवर्ड रिएक्शन कॉन्स्टेंट, के बी है बैकवर्ड रिएक्शन कॉन्स्टेंट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था ए जी, ए जीरो, ए का ए जीरो, बी का जीरो, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम ए टी बी। ठीक है, क्वेयर के एफ एंड के बी आर द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो देखो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू, ये तो पता है कैसे लिखते हैं, डी बी बाई डी टी इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बी। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन आई वी गेट, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे देखते हैं, बीच में कुछ रह गया। तो ए टी क्या होगा, ए जीरो माइनस एक्स। ठीक है, इफ ए जीरो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंड एक्स एक्स मोल। देखो यहां पर क्या था, ये तो निकल जाएगा, पहले मान लो, ठीक है, लेट ए जीरो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एंड कितना मोल रिएक्ट करा है एक्स, तो फिर ए टी कितना हो जाएगा, ए जीरो माइनस एक्स। ठीक है, बी कितना मोल हो जाएगा एक्स फॉरवर्ड रिएक्शन का के लिए, तो डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा, के एफ ए के जगह पुट करो ए टी के जगह ए जीरो माइनस एक्स, के बी के जगह एक्स। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम क्या है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ रिएक्शन जीरो, डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो, तो सेम करो ये आ जाएगा। ठीक है, वेयर के एक्स इक्विलिब्रियम इज कॉन्सेंट्रेशन अवे दैट हैज रिएक्टेड इन टू बी एट इक्विलिब्रियम। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड आई क्या मिल जाएगा हमें, के बी क्या मिल गया, के बी इक्वल्स टू के एफ
ए जीरो माइनस एक्स इक्विलिब्रियम बाय एक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आ गया इतना तो। पहले क्या था, पहले हमें रेट ऑफ रिएक्शन इतना मिल गया। ठीक है, ठीक है, तो हमने लिया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए जीरो एक्स मोल रिएक्ट किया, तो ए टी कितना हो जाएगा ए जीरो माइनस एक्स, एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा एक्स। ठीक है, वो पुट कर दिया इस इक्वेशन में। नेक्स्ट देखे हमने एट इक्विलिब्रियम डीएक्स बाई डी टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो डीएक्स बाई डी टी एट इक्विलिब्रियम जीरो, इसका मतलब हमें ये लिख सकते हैं के इक्विलिब्रियम के एफ ए जीरो माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्वल्स टू के बी एक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां से हमें के बी का वैल्यू निकल के आ गया, ये वाला हमारा के बी का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। डीएक्स बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के बी का वैल्यू पुट कर दो, के एफ ए जीरो माइनस एक्स माइनस के एफ, ये वाला जो के बी का वैल्यू हमने निकल के लाए थे। ठीक है, डीएक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो के एफ ए जीरो बाई एक्स इक्विलिब्रियम, एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन बिटवीन लिमिट जीरो टू एक्स एंड टाइम जीरो टी, वी हैव द क्या है जीरो टू एक्स एंड जीरो टू टी, इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनल वैल्यू हमें निकल के आएगा एल एन एक्स इक्विलिब्रियम बाय एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स इक्वल्स टू के एफ ए जीरो डिवाइड बाई एक्स इक्विलिब्रियम टी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, तो ये आ जाएगा हमारा वैल्यू। ठीक है, दिख नहीं रहा क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वी मे राइट के एफ ए जीरो इक्वल्स टू के एफ बी के एफ प्लस के बी एक्स इक्विलिब्रियम, तो ए जीरो बाई एक्स इक्विलिब्रियम के एफ प्लस के बी बाई के एफ। ठीक है, ना सब्सटीट्यूटिंग इन द इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, एल एन एक्स इक्विलिब्रियम बाई एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स इक्वल्स टू के एफ प्लस के बी इंटू टी, तो ये मिल गया हमें जो हमारा रिवर्सेबल रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एल एन एक्स इक्विलिब्रियम, तो हमें एंट्रेंस के लिए ये याद रखना, मतलब नेट गेट के लिए ये ही काम में आएगा, बाकी डेरिवेशन आपका एमएससी एग्जाम में काम में आएगा, पूछ लगा डिराइव मतलब एग्जाम में जो देते हैं एमएससी का सेमिस्टर एग्जाम शायद पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एल एन के एक्स इक्विलिब्रियम, एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्लस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंटू टी, ये हमारा एंट्रेंस में काम आएगा ये वाला। ठीक है, अब देखते हैं पैरेलल रिएक्शन, वो था रिवर्सिबल और अपोजिंग रिएक्शन, ये पैरेलल रिएक्शन, ए गिव्स बी एंड सी, बी के लिए के वन एंड ए टू सी के लिए के टू, इफ इफ के वन ग्रेटर देन के टू, अगर के वन ग्रेटर देन के टू द रिएक्शन ए गिव्स बी विल बी मेजर रिएक्शन एंड ए टू सी विल बी साइड और पैरेलल रिएक्शन। ठीक है, अगर रेट ऑफ के वन ग्रेटर देन के टू हो गया, ठीक है, रेट ऑफ के वन ग्रेटर देन के टू हो गया तो फिर क्या होगा, ए टू बी विल मेजर रिएक्शन होगा, ए टू बी हमारा मेजर रिएक्शन होगा एंड ए टू सी हमारा क्या हो जाएगा माइनर रिएक्शन। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम दैट बोथ दीज रिएक्शन आर फर्स्ट ऑर्डर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ए एट ए टी एट टाइम टी। ठीक है, तो आर वन इक्वल टू क्या होगा माइनस डी ए बाई डी टी के वन है, आर टू क्या होगा माइनस डी ए बाई डी टी के टू है। ठीक है, तो टोटल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू कितना हो जाएगा के वन है प्लस के टू है, तो के वन है ए कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा के वन प्लस के टू, के वन प्लस के टू को हम अगर हम के डैश कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा के डैश है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये बता दिया, अगर इंटीग्रेट ऑफ करेंगे देखो माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू के डैस ए, इसको इंटीग्रेट करते हैं लिमिट क्या लेंगे ए जीरो से ए टी जीरो से टी, तो लिमिट अगर क्या आ जाएगा ये एल एन ए जीरो डिवाइड बाई ए टी आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा के टी आ जाएगा, मतलब इसको कहो के के डैश टी प्लस के वन प्लस के टू इंटू टी। ठीक है,
आर वन बाई आर टू अगर करेंगे तो के वन बाई के टू आ गया, वेयर ए जीरो इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, ए टी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टाइम टी, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ टू साइड रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय आर वन बाई आर टू, के वन के वन ए बाई के टू ए, सॉन के वन बाई के इज इक्वल टू के वन बाई के टू. तो फ्रॉम इक्वेशन था आई भी एंड भी वी कैन कैलकुलेट रेस कॉन्स्टेंट के वन. तो याद रखना पैरेलल रिएक्शन के लिए एल एन ए जीरो डिवाइड बाई ए टी इक्वल्स टू के डैश टी प्लस के वन प्लस के टू इंटू टी, ये हमारा काम.